कैसे आप सब लोग जी? मैं भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी आज आपके साथ एक ब्लॉग शेयर करने लगी हूँ जी। आज हमारी वालदा ने असल में ना वो रखा हुआ है जी, कुछ उन्होंने इनवाइट किया हुआ है, इनवाइट ऐसे किया वो सब बच्चों को, बच्चों के लिए उन्होंने कैसा वो रखा हुआ है, कुछ माना हुआ है कुछ, जिसे कहते हैं प्यालियों का ख़त्म, खीर की प्यालियों का, हमने सुना ये ठीक है जी। तो मेरी अम्मी वैसे फर्स्ट टाइम पिला रही है, लेकिन हमारे पंजाब में रिवाज है एक वो गूढ़े भी दिलाते हैं लोग। अब आज जाके अम्मी से डिटेल ले लूँगी, और अब की बार अम्मी किसी के घर गई वहाँ खीर खाई है और वो एक बोल उठा के ले आएंगे। तो अब अम्मी ने कहा है कि मैंने भी तो बहन भाई वगैरह हम सारे जो है अम्मी को ज़रा हम समझाते हैं कि अम्मी इस चीज़ का नहीं है, या किसी बात का हम बताते हैं तो बड़ा गुस्सा करती, कहती तुम लोग खा लो मुझे नसीहत ना करो कि कुरान पाक अम्मी इस चीज़ का, तुम लोग अम्मी के हम कहते हैं अम्मी जी इस चीज़ का जिक्र थी हमने जिससे सुना नहीं कभी कि आपने प्याली उठाई और खीर। तो हम जाएंगे और अम्मी डिटेल से हमें बताएंगी क्या है क्या नहीं। तो बहुत से घरों में हो रहा है इसी तरह से, तो देखा देखिए आपको पता है अम्मी यहीं पे रहते हैं, हम लोग खास खाते हैं, अम्मी को मना करते हैं बहुत सी चीज़ें, हमने मना किए तो अम्मी कहती है तुम लोगों ने सारा खत्म धूप वगैरह करवाना मेरा बंद ही करवा दिया, कूड़े वगैरह भी पहले करवाती थी तो हमने बताया कि अम्मी इसकी हैसियत नहीं थी, तो अम्मी ने वो भी मतलब बंद कर दिया। तो गुस्सा बहुत करती है वैसे में कि मैंने कब से माने हुए मैं करती हूँ, तो वो तो अम्मी वो करती है। तो आज मैंने सुना अम्मी का प्यालियों का खत्म है ठीक है जी, उसके लिए 11 प्यालियाँ सुने वो रखी हुई उन्होंने और 11 ही बच्चों को खिलानी है, और बड़े बड़े इनके बोल में नहीं होगा, डोंगों में नहीं होगा, वो छोटी छोटी प्यालियों में ही होता है। उसका मुझे नहीं मालूम क्या लॉजिक है क्या नहीं इस बात से, महाराज चलते अम्मी घर वहाँ जाके आपको भी हम सारा दिखाएंगे और फिर अपनी अम्मी से भी डिटेल लेंगे, और मे भी कि मैं अम्मी के सामने कोई ऐसी बात ना करूँ क्योंकि वो गुस्सा भी करती है कि आप लोग हर बात मुझे मना करते हो, हर चीज़ मेरी आप लोगों ने मना कर दिए। तो फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, तो मैं चल रही हूँ अपने बच्चों के साथ, चल जी वहाँ चल के आपको शेयर करते हैं आपके साथ ये छोटा सा ब्लॉग। अच्छा जी ये मैं अपनी अम्मी घर आ चुकी हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि अम्मी घर जाते हैं यहाँ पर, मतलब आपको डिटेल से अम्मी से पूछ के बताऊँगी। तो मैंने अभी अपनी वालदा से पूछा, पहले तो उन्होंने बहुत डांटा भी हमें, जाहिर बात है हम लोग बच्चे ज़्यादा इतराज़ करते हैं कुछ है, तो मैंने पूछा अम्मी क्या लॉजिक बताएं आप ये जो करवा गई हैं ये, यानी कि जो प्यालियों का ये ख़त्म है खीर है 12, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जो 12 इमाम का ये ख़त्म है, जिसका ये मुहर्रम के महीने में करवाया जाता है, और ये 12 इमाम का ख़त्म है, और ये शहदा कराम के जैसे हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अली, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, ये तमाम ये इमाम है ये उनके नाम का ख़त्म ये दिलाया जाता है। तो मैं ये कहना चाहती कि हमें बड़ों से बाद बहस करने लगते हैं आजकल बच्चे कि फ़लाँ चीज़ नहीं सही, तो फ़लाँ चीज़ नहीं, देखिए जी ये तो कहीं पर भी लिखा जो वफ़ात पा चुके होते हैं हमारे रिश्तेदार भी, हम उनके नाम का भी वो ख़त्म दिलाते हैं, उनके नाम का भी हम कुरान पाक पढ़ते हैं, तो ये तो करना चाहिए। तो मेरी अम्मी को बस शुरू से आदत है, उन्होंने उनके नाम का पढ़ती हैं माशाल्लाह से, और ये कोई गुनाह का काम नहीं है, ये करना चाहिए। तो इसमें कोई वो नहीं है कि हम इस फेवर में उस फेवर में फलाना मसले किए, इसका हम लोग जैसे बातें लोग करते हैं, तो मैं कोई ना दिन से हट के बात कर रही हूँ ना कुछ ऐसी बिल्कुल जाहिर सही बात कर रही हूँ, जो भी जिसके वालदैन दुनिया चले जाते हैं जिनकी औलाद चली जाती है हम उनके लिए कुरान पाक पढ़ते हैं ना, तो ये तो इतने इमाम हसन और हुसैन हमारे 12 इमाम का ये इनका ख़त्म है, 12 इमाम अलैहिस्सलाम जो हमारे हैं उनका ये इनाम कोई हम दिलाते हैं ये प्यालियाँ उठाते हैं। तो ये है कि बस ये नहीं है कि मिट्टी की प्यालियों में हो, लाजमी कांच की प्यालियों में हो, घर से बाहर नहीं, ये 12 से मतलब 13वां बंदा खा लेगा तो कोई नुकसान, बस ये चीज़ें नहीं होती, बाकी ये कि बिल्कुल इसकी अहमियत है जी बिल्कुल है। तो ये उनके नाम का मेरी अम्मी ख़त्म दिलाती है, तो बस मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ ये मैं शेयर कर लेती हूँ। तो बस ये छोटा सा ब्लॉग था, अब हम खीर खाते हैं जी ठीक है जी। तो हम लोगों ने तो बहुत ही अपने बड़ों को कह कह के आप इस चीज़ का ना दिलाएं, आप कूड़ों का ना दिलाएं, वो जो रजब के दिलाते हैं हज़रत इमाम जाफर सादिक के नाम के वो दिलाते हैं, तो जो दुनिया से गुजर जाते हैं उनके लाजमी उनके नाम के वो ख़त्म भी दिलाना चाहिए, ये जो उनको पहुँचता है, यानी कि जो हम पढ़ते हैं उनके कुरान पाक पढ़ते हैं जो उनके नाम का ख़त्म दिलाते हैं उनको पहुँचता है, वो हमारे इस चीज़ के भूखे नहीं होते बैठे हुए, लेकिन उनको ये चीज़ें पहुँचती हैं, जितने हमारे रिश्तेदारों के नाम लोग भी बात कर रहे हैं वो भी हमारे इंतजार में होते हैं, कब्र से बाहर होते हैं सुना है, जैसे हम जाते कहते हैं शबरात में देखो जी ये हमारे जो जो भी मुर्दे होते हैं वो कब्र से बाहर आते हैं, कहते हैं हमारे घर वाले आएंगे, फिर हम उनके कुरान पाक पढ़ते हैं बख्शिश के लिए उनकी ये चीज़ें जो पढ़ते हैं, फिर हम जो भी चीज़ पर ख़त्म दिलाते हैं वो खाते तो नहीं है लेकिन उसका सवाब उनको पहुँचता है, तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आज ये लॉजिक ये मुझे समझ आ गया, मेरी अम्मी करवाती है, मैंने कहा ठीक कह रही है अम्मी तो आप करवाया करें, हम लोगों ने बिल्कुल ही क्या है कि इनको ख़त्म कर दिया, वो कुछ लाजमी करवाती हैं हर जुमेरात को, जितने रिश्तेदार गुजर गए दुनिया से जा चुके उनके नाम का भी ख़त्म दिलाती हैं, फिर शहदा कराम के नाम का वो कुरान पाक पढ़ती हैं और ख़त्म नफल पढ़ती हैं, कुरान पाक पढ़ती हैं ना फिर वो ख़त्म करती हैं फिर नफल पढ़ के फिर उनके नाम का ख़त्म दिलाती हैं। मैंने अपनी वालदा को शुरू से देखा है और उनको तो ऐसी आदत है माशाल्लाह माशाल्लाह उनको से तो तंदुरुस्ती अपना वो पूरे ख़ानदान में जितने लोग गुजर चुके हैं उनका महीने में 2 से 3 कुरान पाक वो पढ़ती हैं और सबके नाम मतलब वो बख्शिश कर करती हैं। तो बस ये छोटा सा ब्लॉग था, बाकी हम खीर वगैरह खाते हैं आपके साथ शेयर करते हैं, चलिए जी। अच्छा जी व्यूअर्स मैं आ चुकी हूँ अपनी वालदा के घर, मैंने आपको बताया था कि अम्मी के घर है वो प्यालियों का ख़त्म। अच्छा जी मुझे हंसी आई कोई मायने करना, मैं एक सेकंड अपनी सिस्टर साथ सब हाँ जी मेरी सिस्टर शाजी की तो ही अम्मी किस चीज़ का दिलाती हैं वो प्यालियों का 12 इमाम। अच्छा ये 12 इमाम का ख़त्म है जो मेरी ये मैंने भी सुना है, ये मैंने भी सुना
अच्छा जी, मैं ये मेरी छोटी सिस्टर कही, मैंने अम्मी से सुना है ये 12 इमाम का मैंने लेकिन खत्म कराने से बरकत होती है, बरकत होती है खत्म दिलाने से। हम हर वक्त मतलब अपनी अम्मी को कहते थे अम्मी कू नहीं दिलाने आपने, ये क्या खत्म होता है वो क्या, ऐसे भी नहीं कहना चाहिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत से घरों में देखिए जी बड़ी होती हैं माएँ होती हैं सांसें होती हैं, तो उनकी जो अपनी अपनी जो बात होती है ना, तो काइंडली आप लोग सुन लिया करें और हर बात को बहस मुबाइस में मत डालें कि ये क्या कर रही हैं आपने, ये सास से भी करें बबू हैं तो जो बेटी है वो माओ से, हम लोग करते हैं ना अपनी अम्मी को भी समझ कहते हैं अम्मी आपको तो पता ही नहीं लगी जिस तो कोई है ही नहीं ना कहीं लिखा हुआ ही नहीं पूरा, तो अम्मी को कभी गुस्सा आ जाता है बड़े तो क्या हर्ज है, अगर उन्होंने कोई ख़त्म दिला दिया चार छः बंदों ने खा लिया तो बरकत ही बरकत है। ठीक है, 12 में आपका खत्म है मेरी अम्मी जाए ऐसी एक 12 प्यारी होती है। ठीक है, ये होता ही है कि पहले कोई किसी का खाता है और वहाँ जाके एक बोझ होता है वो उठा के खा लिया था, वो मट्टी के बोझ होते हैं भाई अम्मी की तरह मट्टी के नहीं यूज़ होते, तो अम्मी के घी वाले ग्लास वाले ठीक है जी वो मट्टी का एक बोल लिया था तो फिर वो बनाकर और उसी में डाल के वो 12 लोग खाते हैं। ये हमें तो मज़े ही हैं, मज़े हम तो खा ही लेंगे तो बरकत होती जी मानना चाहिए। मेरी अम्मी तो जुमरान में खत्म और काफ़ी सारे मेरी अम्मी करती है, हम लोग काफ़ी पीछे लगे रखें। तो देखिए जी मैंने क्या किया, मैंने अपने सिस्टर कहा कि मैं 12 इमाम का ये जो प्याला है ये तो खाऊंगी खाऊंगी लेकिन साथ एक परोठा भी खाऊंगी, हमारे पंजाब में एक पराठा होता है लेकिन ये पंजाब में का मतलब पंजाबी लोग खाते हैं। ठीक है जी, और पंजाबी तो ये लिख रहे थे पंजाब में, तो जी मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के एक प्याली होगी जी मेरी। ठीक है जी, मैं तो बना रही हूँ बिल्कुल। अच्छा जी, ये दो होगी मेरे बच्चों की, अब ये मैं खाऊंगी जी, इंसाफ करूँगी पूरा पूरा। ये देखिए जी कितनी टेस्टी ज़बरदस्त है, मेरी बड़ी अच्छी सी बनाती है, तो ये हम लोग खाएंगे और इन्जॉय करेंगे इस पराठे के साथ, पराठे भी बड़ा सा माशाल्लाह से। ठीक है, तो आप लोगों से मैंने बस ये कह रहा था जो घरों की होती है बड़े खत्म दिलाते त्यौहार जो स्थान पर होते हैं जिस इस चीज़ का उन्होंने माना होता है तो आप उन्हें कहने दिया करें, उन्हें बहस को ऐसा ना किया करें, जो बड़े कहते हैं वो मान लिया करें, खा लिया हमें खाने में क्या। ठीक है जी, तो बरकत भी होती है वैसे खत्म वगैरह के बाद से बरकत होती है। हम लोगों ने हमारी अम्मी का कहना है कि आप लोगों तो बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दिया, गुस्सा भी करती है, तो फिर वो तो आज रात को जितने स्टार्ट है कर जाते हैं उनके सबके नाम का पढ़ के जो भी चीज़ करती है पाक का भी वो करती है और फिर वो पाक तो पढ़ते हैं वो तो मैं पाक। अच्छा, इस पर भी मेरी अम्मी ने 12 पाक पढ़ा पहले वो सिस्टम का, फिर उन्होंने 12 प्यालों के लिए वो उन्होंने ये बनाया था, तो हम खा रहे बहुत टेस्टी ठंडी या खीर है मज़ेदार सी, हम तो जी इन्जॉय करें मज़ा करें, तो ये अल्लाह पाक कबूल करें मेरी अम्मी का भी बहुत कुछ करती है। पढ़ते हैं जी, छोटा सा गाँव आपके साथ था तो फिर ये आपने मेरे कमेंट में बताना जी आपको कैसा लगा, आप लोग भी करते हैं कि हमारे पंजाब में ज़्यादा होता है। ठीक है जी, क्या आप लोग भी ऐसे करते हैं ऐसी खीर बनाते हैं जैसे मेरी अम्मी बनाती हैं, तो बनाया करें आप लोग भी, एक प्याली उठा लें जी आपके यहाँ से, अगर कुछ मान कुछ मुराद माननी है तो यहाँ से पूरी हो जाती है मेरी अम्मी का। ठीक है जी, तो ठीक है जी, ओके जी, नेक्स्ट वीडियो तक मेरे ही आपने क्या करना है जी, मैंने आपको ज़्यादा बनाया करना है। ठीक है जी, आपने और चैनल को सब्सक्राइब करना है जी, नेक्स्ट वीडियो तक ओके, अल्लाह हाफिज़।